हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजना और आज मैं आपको एरेज के बारे में और बताने वाली हूँ। आपने पहला वाला लेक्चर सुना होगा, लेसन ट्यूटोरियल जो भी आप उसे बोलना चाहे बोल सकते हैं, आपने सुना होगा। और उसमें मैंने आपको थोड़े थोड़े प्रोग्राम्स के बारे में बताया था कि एरे में आप कैसे ले सकते हैं, एरे को आप कैसे एक एलिमेंट को सब एलिमेंट्स को सर्च ऐड कर सकते हैं, फिर आप उसमें एलिमेंट एक एक को सर्च भी कर सकते हैं। ओके, तो एरे यूजली हम बेसिक किस वजह से यूज़ करते हैं? एरे हमें कुछ बेसिक ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। वो क्या क्या है? पहला है सर्चिंग, दूसरा है शॉर्टिंग, तीसरा है इंसर्शन, चौथा है डिलीशन एंड पांचवा है मर्जिंग। ओके, यूजुअली हम ये सब कब करेंगे? मर्जिंग एंड ऑल द इंसर्शन डिलीशन, ये तीनों हमारे डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली ये पार्ट कवर होगा। वो आपका इसके बाद वाले कोर्स या फिर उसके बाद वाले कोर्स में रहेगा, पर अभी हम सर्चिंग एंड शॉर्टिंग करेंगे। ओके, सर्चिंग क्या होता है? सर्चिंग दो टाइप की होती है, एक लीनियर सर्च और एक बाइनरी सर्च। ओके, लीनियर सर्च क्या होता है? मेरा लीनियर सर्च होता है आई एम बेसिकली सर्चिंग वन एलिमेंट फ्रॉम ऑल अदर एलिमेंट अमॉन्ग। ओके, तो एक्चुअली वो क्या करेगा कि हम एक एलिमेंट को, मतलब मुझे आप कंसिडर करो आपको एक टॉप ढूंढना है, ठीक है? तो आप टॉप कहाँ ढूंढोगे? अपने वार्डरोब में देखोगे, ठीक है? उसमें देखने के बाद आप यूजुअली क्या करोगे? सारे आप फ्रॉक्स में नहीं ढूंढने वाले हो, आप टॉप में ढूंढने वाले हो। तो फिर आप जो यहाँ आप टॉप्स रखते हो वहाँ पे सारा आप टॉप, या तो आप बंच करके रखते हो अलग से, तो वहाँ पे आप एक एक करके सारा टॉप उठा के एक पर्टिकुलर कलर का आपको टॉप चाहिए, तो आप सारे टॉप्स दूसरे कलर्स के हटा हटा के वो वाला कलर ढूंढोगे। ओके, तो वही चीज़ करता है आपका लीनियर सर्च। वो आपका जहाँ वो डेटा स्टोर है वो चीज़ आपका एक एक टू पार्ट आपका ढूंढेगा, ढूंढ ढूंढ के वहाँ पे जो आपको वो जब आपको वो मिल जाएगा वो वहाँ से निकल आएगा, ठीक है? बाइनरी में क्या होता है, वो एक टोटल एरे को, मतलब लाइक कंसिडर कि वहाँ पे 10 एरेज है, तो लाइक एक एरे है उसमें 10 एलिमेंट्स है। ओके, वो ले रहा है, उसको लेने के बाद वो उसे शॉर्ट करेगा, सर्च करेगा कि उसे आधे में डिवाइड कर लेगा। आधे में डिवाइड करने के बाद वो वहाँ पे ढूंढता है, मतलब आधा आधा। लाइक आपको लाइक टॉप का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आप यूजुअली टॉप वगैरह ढूंढने के लिए आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि आप आधा आधा बहुत सारा। ओके, तो आधा आपने बोला मैं ढूंढता हूँ, आधा आपने अपने दोस्त को दे दिया कि मैं ढूंढती हूँ। ओके, तो वो और आप मिलके ढूंढ रहे हो, तो काम जल्दी हो जाएगा, ईजीली हो जाएगा। और जब वो मिल जाएगा तो वो ऑब्वियसली आप किसी एक को मिल ही जाएगा, ठीक है? मतलब जरूरी नहीं कि एक चीज़ आपको दोनों जगह मिले, ठीक है? तो यूजुअली हम क्या जानते हैं, बाय डिफरेंस अगर हम देखेंगे इन दोनों के बीच का, लीन देखिए ये लार्जेस्ट एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे पहले अच्छा मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी, पहले हम थोड़ा प्रोग्राम देख लेते हैं। हमें लार्जेस्ट एलिमेंट सर्च करना है, तो लार्जेस्ट एलिमेंट सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे? हम पहले तो हम नॉर्मल प्रोग्राम लिख लेंगे अपना, फिर उसके बाद हम यहाँ पे 20 तक नंबर लिया मैंने, फिर यहाँ पे यूजुअली ये मैंने डिक्लेयर कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने n का वैल्यू ले लिया, ठीक है? अब वो एरे n तक चलेगा, ठीक है? यहाँ पे एक एरे में यहाँ पे फिर बार बार n तक वहाँ पे नंबर गया, नंबर एंटर होते गया होते गया होते गया, फिर हमें लार्ज की वैल्यू हमें कंपेयर करनी है। ओके, क्योंकि अगर आप लार्ज, अगर आप एक आपका 10 नंबर है, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली उन 10ों में कंपेयर करके, वो जंबल अप है, ये नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो वो जंबल अप है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप फर्स्ट एलिमेंट लोगे उसका, फिर फर्स्ट एलिमेंट लेके फिर उसके बाद आप कंपेयर करोगे। तो वही किया है यहाँ पे, देखिए लार्ज में वो पहला एलिमेंट रख लिया है एरे जीरो में जो सेव है, ARR जीरो में, ठीक है? फिर उसको लेके वो हर बार लूप चला के वो चेक किया है। यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, पर यहाँ पे जीरो की जगह आप वन कंसिडर कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे बार बार चेक किया है, अगर वो बड़ा रहा तब वो लार्ज में उसकी वैल्यू सेव कर लेगा, ठीक है? नहीं तो वैसे कुछ पार्ट जरूरी नहीं है, बट ये बार बार यही सर्च कर, जैसे ही उसको बड़ा एलिमेंट मिलेगा, तो जब लूप खत्म हो जाएगा पूरा, तो बड़ा एलिमेंट मिलते ही वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है? द लार्जेस्ट नंबर इज लार्ज वाला वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ये है मेरा सिलेक्शन शॉर्ट। शॉर्टिंग भी जो होती है ना बहुत टाइप की होती है, ठीक है? देखिए कितना बड़ा प्रोग्राम है, ये है मेरा बबल शॉर्ट।
ओके तो हम देखते हैं, हम यूजुअली लीनियर सर्च के बारे में भी कर सकते हैं थे, पर वो बहुत ही इजी पार्ट है एंड उसके लिए उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजुअली बबल शॉट एंड सिलेक्शन शॉट, दीज आर द टू थिंग विच कन्फ्यूज द स्टूडेंट मोस्ट। ओके तो सिलेक्शन शॉट में क्या होता है, आप फर्स्ट पोजीशन सिलेक्ट कर ले रहे हो, फिर यूजुअली शॉटिंग भी ना तीन टाइप की होती है, एक सिलेक्शन, एक बबल और एक इंसर्शन। ओके सिलेक्शन में क्या होता है ना कि आप यूजुअली सिलेक्शन शॉट का काम क्या रहता है, वो आपका एक एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट ले लेगा और उसे सेकंड लास्ट एलिमेंट के साथ या मतलब लास्ट के एलिमेंट के साथ कंपेयर कर करके देखेगा आपको जिसमें चाहिए। ओके अगर आपको असेंडिंग में चाहिए या डिसेंडिंग में चाहिए वैल्यू, मतलब आपको बड़े से छोटे में रखना है या फिर छोटे से बड़े में रखना है, वो करेगा। ठीक है तो वैसे ही ये काम करता है। और बबल का क्या होता है ना, वो आपका एक सिलेक्शन में आपका पोजीशन ऑलरेडी सिलेक्ट कर लेता है और उसके बाद वो काम करता है। और बबल में क्या करते हैं ना, वो फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, ये कंसेक्यूटिव एलिमेंट कंपेयर करता है। और सिलेक्शन में ऐसा नहीं होता, वो फर्स्ट से लास्ट एलिमेंट कंपेयर करता है फिर उसके बाद स्वैप कर लेता है नंबर। ओके स्वैपिंग क्या होता है, वो पोजीशन चेंज करना रहता है तीन नंबर के साथ। ओके मतलब आप एक ना एक एम्प्टी वेरिएबल रहेगा, उसकी वैल्यू आप किसी और में रखोगे, फिर उसकी मतलब वेरिएबल की एक एक आप ओवरराइड करते जाओगे वैल्यू को। ओके आप एक वैल्यू में दूसरे की वैल्यू, एक खाली वेरिएबल में दूसरे की वैल्यू डाल रहे हो, फिर उसके बाद उसको एम्प्टी कर रहे हो, फिर उसके बाद ऐसे करके वो ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है तो हम देखते हैं, यहाँ पे नॉर्मल आपका प्रोग्राम चला है, यहाँ पे आपकी नॉर्मल फॉर जो नॉर्मल चीज़ें करते हैं हम, फॉर लूप चला के हर बार एक नंबर ले लिया। हर बार नंबर लेने के बाद फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने हर एक पोजीशन चेक की। लाइक एम में मैंने नम एट आई, ओके उसकी वैल्यू रख ली यहाँ पे, नम एट आई मेरा आपका, नम एट आई मेरा वो है एरे का जहाँ नंबर स्टोर हो रहा है हर एक एलिमेंट। ठीक है नम एट एम में रख लिया, फिर पोजीशन में रख लिया हमने वो लूप का वैल्यू। ओके फिर उसके बाद हमने उसके बाद वाले से एक चलाया, फिर उसके बाद हमने उसे कंपेयर किया, फिर कंपेयर करके अगर हमें दिख रहा है कि वो बड़ा है, जो हमारी एक पोजीशन आगे से कर रहे हैं तो उसके बाद हमें दिख रहा है कि वो बड़ा है, तो हम उसकी वैल्यू चेंज कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद इधर हम नंबर स्वैप कर रहे हैं, हम एक टेम्पररी वेरिएबल ले रहे हैं उसमें हम ये वैल्यू रख रहे हैं और फिर इस वैल्यू को हम ओवरराइड कर रहे हैं, जो पी में जो पोजीशन है आई पी जे की पोजीशन है, हमें वो आई की वैल्यू से हम उसे चेंज कर रहे हैं और पी का जो वैल्यू है वो हम टी की वैल्यू को डाल दे रहे हैं। ओके यहाँ पे हम जस्ट वो मेरा उधर अरेंजिंग वाला पार्ट हो गया और यहाँ पे मुझे ये प्रिंट करना है, तो इधर मैंने इसे प्रिंट कर दिया क्योंकि ऑलरेडी नंबर स्वैप होके अपनी अपनी जगह रख चुका है और वो चेंज कर चुका है वैल्यू। बबल शॉट, बबल शॉट में भी आपको स्टार्टिंग टेक्निक वही ही है, सब कुछ वैसे ही, नंबर लेना है, फिर उसके बाद नंबर लेने के बाद यहाँ पे मैंने 10 ले लिया है, आप चाहे जितना भी चाहो उतना ले सकते हैं, यहाँ पे बार बार नंबर एंटर हो रहा है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इस लूप को 10 तक रख रहे हैं पर हम उसके बाद वाला लूप एक कम चला रहे हैं और आई की पोजीशन जो है वो माइनस कर दे रहे हैं उससे। ठीक है फिर यहाँ पे भी हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, जे की जो पोजीशन, यहाँ पे हम उसी को एरे को उसकी बाद वाली पोजीशन के साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हम वही कंपेरिजन कर रहे हैं और लाइक उसके जैसे ही हम यहाँ पे स्वैप कर रहे हैं नंबर। ओके देखिए यहाँ पे तीन बार स्वैपिंग का बेसिक फॉर्मूला यही है। ओके स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यही यूज़ करते हैं यूजुअली, एक एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला भी मेथड है, बहुत इजी है पर टीचर्स उसे नहीं मानते, बोलते हैं कि नहीं ये लॉजिक वाइज तुम्हें करो, अगर ट्रिक या फिर इंटरव्यू क्वेश्चन में आएगा तो आप वो सबट्रैक्ट वाला यूज़ कर सकते हैं, पर जावा और सबसे ईजी पाइथन में होता है, पर जावा में ये मेथड है। ओके यहाँ पे मैंने बस उसे असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है और वो जो एलिमेंट जो स्वैप हो गया है उसे मैं बार बार प्रिंट कर देनी है, एक एक यहाँ पे एलन है यानी ये एक एक लाइन में प्रिंट होगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग।